बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं रुद्राम लोलिया, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। एक तरफ आपको बता दें कि कोरोना वायरस कोविड 19 है, दूसरी तरफ आपको बताया कि देश भर के सफाई कर्मी कोरोना वायरस कोविड 19 के काल के समय भी लगातार देश के अंदर साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं। स्वच्छता समाज या सफाई कर्मी लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर भी ये कार्य कर रहे हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस कोविड 19 में अगर ये समाज अगर अपनी सेवाएं ना दे तो पूरे देश के अंदर कितनी संख्याएं बढ़ सकती है, किसी भी बीमारी की आप गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। ना केवल आपको बता दें कि कोविड बल्कि साफ सफाई न होने से हजारों प्रकार की समस्याएं हो सकती है, हजारों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। समाज आपको बता दें कि गुजरात से नया मामला सामने आया, जहां पर एक अस्पताल में सफाईकर्मी समाज के लोगों पर जाति सूचक टिप्पणियां करने वाले पर रोकने पर दलित समाज की महिलाओं जो सफाईकर्मी थी उन्होंने आपको बता दें कि आपत्ति जताई, और आपत्ति जताने पर वहां पर कुछ लोगों ने आपको बता दें कि उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की और उनके ऊपर पुलिस ने भी मारपीट करने की कोशिश की है। इसका आरोप आपको बता दें कि जिग्नेश मेवाणी जो कि गुजरात से विधायक है दलित समुदाय के, उन्होंने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह मुद्दा लिखते हुए लिखा है कि एक तरफ जहां कोरोना वायरस कोविड 19 के कारण समय के अंदर ये लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दूसरी तरफ जातिवादी मानसिकता के लोग इनके ऊपर हमला कर रहे हैं और इनके ऊपर जातिवादी टिप्पणियां कर रहे हैं। वीडियो आप हमारी साइड में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर आपको बता दें अटैक किया था। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आप चले थे विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल।